पिछले कई दिनों से अपनी हक की लड़ाई लड़ रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने आज कलेक्ट्रेट चौराहे पर गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया और सरकार से गुहार लगाई। लगातार 3 हफ्तों से चिलचिलाती धूप में बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रही हैं। कई दिनों से अलग अलग तरीकों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में आज सभी महिला कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से गुलाब के फूल लोगों को वितरित किए। वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अपनी मांगों में मुख्य रूप से वेतन वृद्धि के लिए लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। आज लोगों को फूल वितरित कर सरकार तक अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया गया। बहुत कंटिन्यू हो रही है पर आज और विशेष मात्रा में एकत्रित हुई है। हम लोगों ने आज फूलों के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया सरकार को कि शांतिपूर्ण तरीके से जब हम अगर ये हड़ताल कर रहे हैं तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांगों को मान ले और हमें आश्वस्त करे कि हम उनकी जो 10,000 में हम काम करते हैं तो 10,000 के मायने को वो समझे कि मान सम्मान का पैसा जितना होना चाहिए, कम से कम मजदूरी जो मिलती है इस भारत सरकार के अंदर, मध्य प्रदेश सरकार के अंदर, वो हमें मिलनी चाहिए। सभी बहनें त्याग कर रही है, भरी गर्मी में आ रही है, कई बहनें हमारे जिलों में बैठी, अलग अलग जिलों में एक एक करके बैठी है। वो बहनें आप मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगा रही है कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूर्ण करें और हम लोग घर पर जाए, अपने बच्चे परिवार को संभालें, विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाए। और कल जो हमने निर्णय लिया है कि हम जो सभी साथ में भूख हड़ताल करेंगे, सभी जिले एक साथ क्रमिक रूप से कार्यकर्ताएं भूख हड़ताल करेगी, शासन को मनवा कर ही छोड़ेंगे, हम अपना अधिकार लेकर ही छोड़ेंगे। इस विषय में सरकार को सोचना और आत्ममंथन करने की जरूरत है। वहीं अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने इस आंदोलन को और मजबूत बनाने में जुट चुकी है। कई जनप्रतिनिधियों के समक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांग भी रख चुकी है। अब आगे देखना होगा कि सरकार इनकी किन मांगों पर अपनी मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।